تتقون. सबसे पहले तो अहले इस्लाम को माह रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज पहला रोज़ा है। उसके कि ऐ ईमान वालों, तुम पे रोज़ा फ़र्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज किया गया है। अल्लाह पाक कहता है कि मैं ही रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसकी जजा दूंगा, यानी इनाम जो है वो हमें अल्लाह पाक खुद देंगे। तो बतौर मुसलमान हमें रमज़ान के रोज़े रखने चाहिए। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमें ज़रूर रखने चाहिए, किले बहाने नहीं बनाने चाहिए। जो बीमार हैं, जो सफ़र में हैं, उनके लिए तो अल्लाह पाक ने, जो दूध पिलाने वाली माएँ हैं उनके लिए तो अल्लाह पाक ने कंसेशन रायत दी है, लेकिन जो तंदुरुस्त हैं उनके लिए कोई रायत नहीं है। यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं आमलेट। इसमें मैंने डाला है, इसमें मैंने काटा है प्याज, धनिया और हरी मिर्च और काली मिर्च और नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दी। इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा दूध। दूध डालने से जो अंडा है ना आमलेट बड़ी फ्लफी सी बनती है। थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी, थोड़ा सा ऑयल। Thank you.
माशाल्लाह ऑमलेट हो गया रेडी। इसको निकाल लेते हैं। अल्लाह पाक ने इस साल फिर रोज़े रखने की तौफीक और हिम्मत अता की है। अल्लाह पाक सबको अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और जो रखने हैं वो अल्लाह पाक उन सब को कबूल व मंजूर फरमाए, क्योंकि अल्लाह पाक दूसरे बारे में फरमाता है ना, क्या ईमान वालों मैंने तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह पहले हम तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। तो अल्लाह पाक सबको हिम्मत अता करे और आइंदा भी रखने की इसी तरह से हिम्मत अता फरमाए और तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। साथ लस्सी है, साथ मैंने ड्रिंक है, सादा पानी है, साथ एप्पल का जूस है, साथ कुछ फ्रूट है, साथ ये सलाद के पत्ते हैं और साथ ये दाल है जो कल की बनी हुई है ना वो, तो साथ ये फ्रेश चीज़ है ये ब्रेड पे लगा, साथ ये ब्राउन ब्रेड है, साथ ये दूसरी प्लेन ब्रेड है और साथ ये दही है। साथ चाय भी मैंने बनाई पाकिस्तानी, तो मैं तो चाय, हम तो चाय पीते हैं, साथ ये हनी भी है, इसलिए हनी लगाना हो ब्रेड पे वो हनी लगा ले। तो चाय मैंने बनाई है साथ मेरा, तो ये